दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ भाई हमारी जनरल स्टोर की दुकान है जिसमें बीड़ी सिगरेट गुटखा माचिस नमकीन बिस्कुट साबुन सरफ और सब बेचते हैं 65 दिन से दुकान बंद पड़ी थी आज जैसे ही गवर्नमेंट ने तमाम उत्पाद पर प्रतिबंध हटाया है आज से हमने दुकान खोलने चालू करी है और इतने दिनों तक जो रिटेल वाले ऊंचे भाव में बेच रहे थे उनको माल नहीं मिला था अब बराबर रेट में मिलेगा तो वापस वही 5 रुपए वाली बुढ़िया 5 में 10 वाली 10 में बिका करेगी। क्या बंद के दौरान किस तरह का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है? भाई हमारे ऊपर ये प्रभाव ये पड़ा कि हमारे को खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा था 65 दिन से हमारी दुकान बंद पड़ी है अब आज जाके खोली है तो आज कुछ हमको राहत मिली है कि साहब चलो अब हमारा काम भी चलेगा। अब कोरोना वायरस की वजह से हम लोग न खोल पा रहे थे पर ठीक है गवर्नमेंट की नीति के साथ चलना ही पड़ता है साहब क्या करें सुरक्षा भी जरूरी है। तो होलसेल रेट पे दे रहे हो ना? हाँ हाँ वही रेट है कोई ज़्यादा बड़ा रेट नहीं। क्या क्या बिक्री करी गुटके के अलावा और बीड़ी सिगरेट भी बेची? बीड़ी सिगरेट माचिस नमकीन साबुन सरफ सब बिक रही है सब चाहिए। आपका नाम? मदारी गेट है मेरी दुकान। नाम आपका? नाम मेरा हरीश है। भैया कोरोना वायरस के चलते जो सरकार के जो बैंड था प्रतिबंध था उसके दरमियान हम लोगों को महंगे रेट में जो मिले तो उस टाइम तो गुटके बिक रहे थे 30 रुपये 35 रुपये पर अब प्रतिबंध हटने से आज वही के वही रेट में मिल रहा है और अब बिक्री जो होगी वो 5 रुपये 10 रुपये बिक्री में हम बिक्री करेंगे। अभी भी जो जिसके पास दुकान गुटके पड़े हैं गुटके वो किस रेट में देते हैं? भैया अभी जो पड़े हैं अब तो प्रतिबंध हटने से वो पुराने रेटों में ही दे रहे हैं और हमारे पास जो महंगी खरीद थी वो महंगी वाले को भी हमारे को उसी रेट में देना पड़ेगा। आपका नाम बताइए? भैया मेरा नाम जितेंद्र है। अंकल भीड़ लगती है यार दुकान खोलने का मतलब ही नहीं है। आप वहाँ से साफ सफाई में ही भैया